हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इजी। सो आज हम क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। क्यों? क्योंकि भैया अगर लाइट चली जाए ना 2 मिनट के लिए, घर में जैसे लगता है बस एक माहौल ही अलग सा माहौल बन जाता है, और वो भी गर्मी में लाइट चली जाए, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, ये तो हम सभी समझते हैं इस चीज़ को। लेकिन अब हमें इसको जानना भी चाहिए क्या होता है। जानना इसलिए चाहिए क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 के, उनके लिए तो मस्ट है जानना चाहिए। लेकिन अगर आप आम इंसान हैं तो आप भी जान सकते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, है ना। देखो हम मोस्टली यहाँ पे बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की। करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी वो चार्ज पार्टिकल जो होगा वो मोशन में होगा, तो हमने उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोल दिया। जैसे अगर हम नॉर्मली रोड पे मूव करते हैं तो हम अपने आप को बोलते हैं कि हम मोशन में हैं, है ना। वही अगर वाटर मूव करे तो हम बोलते हैं वाटर करंट, उसी को हम करंट का नाम दे देते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जब चार्ज किसी एक मीडियम यानी कंडक्टर में मूव करती है तो उस कंडीशन में हमने उसको क्या बोल दिया कि वो एक इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। देखो करंट जानने से पहले हमें जानना चाहिए चार्ज, और चार्ज हमें क्यों जानना चाहिए इसके पीछे एक रीज़न है, एक खास रीज़न है। क्यों? क्योंकि करंट क्या होता है, करंट होता क्या है? करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब जितनी चार्जेस एक यूनिट टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं किसी कंडक्टर में, हम क्या कहते हैं उसको, करंट। तो देखो मान लो करंट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कंडक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, हम उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं उसमें, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है तो उन चार्जेस की कुछ ना कुछ अपनी पोटेंशियल होंगी, क्यों, चार्ज को मूव कराने के लिए। तो देखो ये टर्म तो एसोसिएट जो हो रहा है उसके पीछे एक खास टाइप का टर्म है जिसका नाम है चार्ज। जो भी टर्म्स हमने बोले वो सारे इस चार्ज से क्या करेंगे, एसोसिएट करेंगे। मतलब इसमें इसका एक बड़ा सा रोल प्ले होने वाला है। तो क्यों ना हम सबसे पहले चार्ज को जान लें। जब हम चार्ज को जान लेंगे तो हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी को जानने में बहुत ही आसानी महसूस होगी, है ना। तो चार्ज क्या होता है, अब प्रश्न यह उठता है कि चार्ज होता क्या है। देखिए जैसे ही एटम इस दुनिया में आया, उसकी ओरिजिन हुई, जैसे ही वह उत्पन्न हुआ, जैसे ही वह बना, उसके साथ क्या आ गया, मास आ गया। मतलब इफ़ देर इज एग्जिस्टेंस ऑफ एन एटम देर इज मास, ठीक है ना। तो हमने उस मास को क्या बोल दिया कि वह उस एटम या फिर पार्टिकल का क्या है, इंट्रिंसिक या फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मास क्या है, इंट्रिंसिक या उस एटम का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल से कंफ्यूज मत होइए, यदि आपको एटम के बिहाफ में नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एज अ पर्सन के बिहाफ में देता हूँ, ठीक। जैसे एक जो न्यू बॉर्न बेबी होती है ना, जो एक बेबी होती है जैसे पैदा होता है तो उसमें वो क्या होता है, रोने लगता है, तो उसमें एक आवाज़ करने की कैपेसिटी, ठीक है, स्मेल करने की कैपेसिटी, लिसन करने की कैपेसिटी, है ना, भगवान दिमाग भी दे देता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो गई, फंडामेंटल हो गई। मतलब उसको जन्म से ही वो चीज़ मिल गया, उसके ओरिजिन से ही उसकी वो चीज़ क्या हो गया, मिल गया। जैसे आप हैं, एक स्वस्थ इंसान है ना, सूंघने की कैपेसिटी, कैपेसिटी टू स्मेल, सुनने की कैपेसिटी, कैपेसिटी टू लिसन, सोचने की कैपेसिटी, कैपेसिटी टू थिंक, है ना। भूख अगर महसूस हो रहा है तो उसकी जो कैपेसिटी है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं हमारे अंदर, एक इंसान के अंदर, एक स्वस्थ इंसान के अंदर क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मतलब फंडामेंटल है, उसको ये चीज़ जन्म से ही मिल गया है। ऐसे ही एटम में भी क्या है, जो मास है वो उसको क्या है, ओरिजिन के साथ है, तो जो चीज़ उसको मिल गई जिसे नेचर ने दे दिया है, तो उसी प्रॉपर्टी को या करेक्टरिस्टिक को हमने क्या कर दिया, फंडामेंटल या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब ये जो चार्ज है, चार्ज भी मास का ही एक एडिशनल प्रॉपर्टी है। मतलब मास के साथ ही ये चार्ज भी क्या होता है, ऐड होता है। क्यों? क्योंकि देखो एटम क्या होता है, हमको पता है कि कोई भी पार्टिकल एटम से मिलके बना होता है, क्या पर जानते हैं एटम किससे मिलके बना होता है, उसकी भी कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन।
और उसमें भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पॉजिट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो वो सब आगे आप जब जाएंगे मॉलिक्यूलर फिजिक्स में तो पढ़ने को मिलेगा, क्लास 12th में जाएंगे या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये छोटे छोटे ये क्या फंडामेंटल पार्टिकल्स आपको। तो खैर हम नॉर्मली यहाँ पे क्या जानेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये एक एटम का फंडामेंटल पार्टिकल होता है, या हम कह सकते हैं ये इन तीनों से मिलकर बना होता है। अगर ये भी ना रहे ना तो एक एटम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एक एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, एक एटम में क्या होता है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है। ये जो सर्कल दिख रहे हैं ये होता है हमारा क्या, न्यूक्लियस होता है ना। उस न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक। उस न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसकी भी एक अपनी ऑर्बिट होती है, जैसे सन की ऑर्बिट होती है ना, जिसपे सारे प्लैनेट्स हमारे क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं, रोटेट करते हैं। वैसे ही इस न्यूक्लियस की भी अपनी एक क्या होती है, ऑर्बिट होती है, जिसपे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रोटेट करते हैं। वो एक फोर्स से बाइंड होते हैं, क्या होते हैं, एक फोर्स से बाइंड होते हैं, जिसके कारण वो अपने ऑर्बिट पे रोटेट करते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, ठीक है। वो इतने स्ट्रांगली बाइंड होते हैं कि वो बस ये न्यूक्लियस से क्या होते हैं, बाइंड होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करते रहते हैं, अपने ऑर्बिट पे क्या करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं, है ना। तो इस कंडीशन में हमने क्या कर दिया कि ये पूरा जो होल थिंग्स हमको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या एक एटम है। एटम में इस तरीके का कुछ क्या फंक्शन होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो देखो यहाँ पे हमने, मैंने तो यहाँ पे कई सारे इलेक्ट्रॉन दिखा दिया है, बट ये न्यूट्रल कब होंगे, ठीक है, ये न्यूट्रल कब होंगे, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इक्वल होगा। मैंने ऐसा क्यों कहा था स्टार्टिंग में कि जो चार्ज है वो मास का एडिशनल प्रॉपर्टी है। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम चार्ज को क्या कराते हैं, फ्लो कराते हैं। लेकिन चार्ज को फ्लो कराने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप का हमें ऑब्जेक्ट यानी जिसे हम कंडक्टर भी कहते हैं वो चाहिए होता है। तो चार्ज जो है हर ऑब्जेक्ट में फ्लो नहीं कर सकता है, ठीक है ना, हर मीडियम में फ्लो नहीं कर सकता है। इसके लिए एक स्पेसिफिक मीडियम चाहिए होता है जिसे हम कंडक्टर कहते हैं। तो इसलिए हमने उसको मास का एडिशनल प्रॉपर्टी बोला, जबकि मास हर एक एटम में होता है। देखो चार्ज भी होता है, चार्ज इसमें भी है, यहाँ पे भी चार्ज है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ही कारण है, जिसके कारण जो मैंने मार्कर से यहाँ पे लिखा है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो यहाँ पे स्टिक हो गया है, ये जो काली स्याही है ना यहाँ पे स्टिक हो गई है, उसके पीछे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। लेकिन वो सब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आता है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी किसका पार्ट है, जिसमें चार्जेस फ्लो करती हूँ, ठीक है ना। तो देखो मैं अभी कहाँ पे था कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं तभी जो नेट चार्ज उनका होता है जीरो होता है। तो हमको पता नहीं चलता है कि उसमें चार्ज है या करंट है या नहीं है, वो कब पता चलेगा, ठीक है ना। जैसे ये बोर्ड भी है तो इसमें हम छू रहे हैं तो इसमें हमको करंट नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इक्वल है। तो नेट चार्ज जो उनका जो आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, जीरो हो रहा है। तो हमको चार्ज को फ्लो कराने के लिए कुछ पोटेंशियल डिफरेंस या एक तरीके का हीट प्रोवाइड करते हैं ना, कुछ टेम्परेचर देंगे हम, है ना। तो जैसे ही हमने वहाँ पे कुछ हीट प्रोवाइड कराई, ठीक है, जैसे ही हमने वहाँ पे कुछ हीट प्रोवाइड कराई, तो यहाँ पे क्या हुआ जानते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये निकल गया, ये निकल के दूसरे एटम में चला गया। जैसे ही दूसरे एटम में गया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब दूसरे एटम में गया, वो एटम भी क्या था, न्यूट्रल था, माने कि उसमें अभी तक कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा था, यानी उसमें भी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन थे क्या थे, इक्वली थे, वो बाइंड थे एक दूसरे से। तो इसमें क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेस आके इस आइटम पे चला गया। अब ये इलेक्ट्रॉन एकदम फ्री है मूव करने के लिए उस आइटम में, या वो आइटम जिस भी बॉडी में है, ये दोनों एक ही बॉडी में है, तो इसलिए तो ये इस आइटम से निकल गया, इस आइटम में आया, तो ठीक है। अब इस पर क्या इसको मिल गया, चार्ज मिल गया, वो भी कैसा चार्ज, एक फ्री चार्ज जिसे हम बोलिए इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और इस एटम पे आके क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। अब इस एटम पे ये आराम से क्या करेगा, मूव कर सकेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेस इलेक्ट्रॉन इसको हमने बोला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो फिक्स है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन किसी भी फोर्स से बंधा नहीं है इन लोग से, तो ये आसानी से क्या कर सकता है, उस बॉडी में मूव कर सकता है। और वही मूवमेंट इस एक्सेस इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। वही मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है।
तो हमने क्या देखा कि जब भी किसी एटम में हम हीट प्रोवाइड कराते हैं तो उनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलता है, दूसरे एटम पे जाता है और वो एज अ एक्सेस इलेक्ट्रॉन का रोल प्ले करता है और वो फ्री होता है पूरे बॉडी में मूव करने के लिए एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इलेक्ट्रिक करंट, है ना। लेकिन एक चीज़ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलता है वहाँ पे एक, जब इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पे स्पेस हो गया, मतलब अगर मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला गया यहाँ चला गया ना, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से इस वाले ऑर्बिट से निकल गया है तो यहाँ पे तो कुछ तो ज़रूर हुआ होगा, यहाँ पे एक स्पेस बन गया, इसी स्पेस का नाम हमने क्या बोल दिया, इसी को हम होल बोल देते हैं या आयन बोल देते हैं, नॉर्मली हम इसे प्रोटॉन भी कह देते हैं, ठीक है ना। दैट बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल देते हैं, निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये अब अगर प्रोटॉन या होल का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, अब जबकि होल बन चुका है तो क्या ये भी एक्सेस नहीं हो गया इस एटम पे? तो इसकी भी अपनी कुछ मैग्नीट्यूड हो गई, कुछ कूलम्ब चार्ज ये भी इसमें आ गए, इसकी भी अपनी कुछ मैग्नीट्यूड हो गई और ये भी इसमें फ्रीली मूव करने लगा, तो ये बॉडी भी अब हमारी क्या हो गई, चार्ज बॉडी हो गई, यानी ये फ्रीली अब इसमें मूव कर सकता है और ये रिस्पॉन्सिबल टू क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, है ना। फिलहाल हमने तो बता दिया सीधे इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन हम बात कर रहे थे चार्ज की। देखिए अब चार्ज दो प्रकार से इनकी कैटेगरी को देखा गया, चार्ज की दो प्रकार की कैटेगरी देखी गई इनके बिहेवियर के कारण, है ना। तो हमने देखा था बिहेवियर के कारण कि इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया, पहला था सिमिलर चार्ज और दूसरा है अपोजिट चार्ज। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को आपस में जब क्लोज लाया गया, ठीक है, तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को आपस में ऐसे अगर क्लोज लाया गया, ठीक है, ये दो चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली होता क्या है, ये चार्ज कैरियर का रूप, चार्ज कैरियर का काम करता है, ये निगेटिव चार्ज को कैरियर, निगेटिव चार्ज को कैरी करता है। कैरियर का मतलब आप ऐसा समझिए कि जैसे आप स्कूल जाते हैं तो आपको स्कूल जाने के लिए कैरियर का काम कौन करता है, बस करती है ना। तो आप अपने आप को चार्ज समझिए और आपको कैरी करने वाला अगर बस है तो उसको इलेक्ट्रॉन समझिए, ठीक है। तो इसके बिहेवियर पे हमने दो चार्ज देखा था, क्या कि हमने देखा कि ये सिमिलर चार्जेस क्या होती हैं, एक दूसरे को रिपेल करती हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉन के पास लाएं तो ये इसको वापस धकेल रही थी, अपने से दूर धकेल रही थी, है ना। ऐसे ही हमने जब प्रोटॉन और प्रोटॉन को पास रखा तो ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे थे, दूर धकेल रहे थे, एक दूसरे से अपने आप को दूर की तरफ धकेल रहे थे, है ना। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को नॉर्मली हम चार्ज कैरियर्स के रूप में जानते हैं, मतलब ये क्यों चार्ज कैरियर्स के रूप में, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज को क्या करता है, कैरियर कैरी करता है। क्यों निगेटिव चार्ज को कैरी करता है? जैसे बस में मान लीजिए कि आप स्कूल जा रहे हैं, आपको स्कूल जाने के लिए नॉर्मली बस की ज़रूरत पड़ती है, मतलब एक कैरियर की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपने आप को समझ लीजिए आप चार्ज हैं और आपको जो बस ले जा रही है वो एक कैरियर का काम कर रही है, तो वो कैरियर है, ठीक है ना। तो आप अपने आप को समझ लीजिए कि आप चार्ज हैं और वो जो बस है वो एक कैरियर है, तो उस बस को हमने क्या बोल दिया, चार्ज कैरियर। नाउ अब बस को कंसीडर करिए कि वो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन चार्ज के टाइप भी हैं। चार्ज को हमने दो टाइप में देखा, एक हमने नेगेटिव चार्ज में डिवाइड किया, एक हमने पॉजिटिव चार्ज में डिवाइड किया। तो हमने देखा कि नेगेटिव चार्ज को कौन कैरी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, जबकि पॉजिटिव चार्ज को कौन कैरी कर रही है, कैरी कर रहा है प्रोटॉन, है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर हमने इसको बोल दिया, इसको हमने नेगेटिव चार्ज कैरियर बोल दिया, इसको हमने क्या बोला, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को क्या बोला, यहाँ से देख लीजिए ना, इसको हमने इलेक्ट्रॉन को, इसको हमने बोल दिया नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, किसको, इलेक्ट्रॉन को बोल दिया, जबकि प्रोटॉन को क्या बोला हमने, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को जब हम साथ में देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और बाकी इन दोनों को ये उसके चार्ज कैरियर्स हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है। तो इनके बिहेवियर पे हमने क्या देखा था,
कि अगर सिमिलर टाइप के चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को दूर धकेल रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को हमने पास में लाया इन दोनों चार्ज को, तो ये एक दूसरे को रिपेल किए। ऐसे ही प्रोटॉन प्रोटॉन को लाया तो ये भी एक दूसरे को रिपेल किए। और जब हमने अपोजिट चार्ज को रखा एक दूसरे के पास में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास में, तो हमने देखा कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो नॉर्मली जब हमने चार्ज के बारे में इतना कुछ बता ही दिया है, तो आपको बता दें कि चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम। क्या होती है, कूलम, जिससे हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन में, अब ये तो होगा ना कि किसी बॉडी में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मान लेते हैं कि किसी बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करेगा, तो उसका वैल्यू है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। और एक प्रोटॉन में कितना चार्ज कैरी करेगा, तो हमने कहा +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो देखिए ये जो माइनस और प्लस है, इससे आप परेशान मत होइए कि ये निगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम है ना। ये माइनस बस बता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड है, ये प्लस बता रहा है कि ये प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू निगेटिव होगी, इसके कुछ ना कुछ कूलम चार्ज होंगे, ठीक है ना। ये बस माइनस और प्लस डिनोट कर रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और ये एक प्रोटॉन का चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज में हमने क्या पढ़ा कि चार्ज होता क्या है, पहली बात तो हमने क्या देखा कि चार्ज होता क्या है। फिर हमने देखा कि चार्ज किस तरीके से करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किस तरीके से करंट प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और यहाँ पे उसके बिहेवियर के बेसिस पे हमने चार्ज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक सिमिलर चार्ज, एक अपोजिट चार्ज, नॉर्मली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो सिमिलर चार्ज यानी जिसमें दो प्रकार के सेम चार्जेज होंगे, अगर उसको हम आपस में इंटरेक्ट कराते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे हम देखते हैं कि वो रिपेल करता है। अपोजिट चार्ज में हमने देखा कि दोनों अपोजिट चार्ज को साथ में लाते हैं तब क्या होता है, तो हमने देखा अट्रैक्शन होता है वहाँ पे, है ना। तो अब चार्ज कैरियर्स की बात भी हमने कर लिया कि इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव चार्ज कैरियर के रूप में जानते हैं और प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज कैरियर के रूप में जानते हैं। तो चार्ज की यूनिट क्या होगी हमारी, कूलम होगी। और जिसमें एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, वैसे 1.6 समथिंग होता है लेकिन अप्रॉक्स वैल्यू हमारी एग्जैक्ट इतनी ही होती है ना, और एक प्रोटॉन में इतना। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू